तो अभी हमें जल्दी से कॉल आया कि हॉस्पिटल में आने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो शख्स है यार, पापा बन चुके हैं। एक साल फ्लैशबैक हम लोग चले गए थे पीछे, बहुत इमोशनल मोमेंट था। जो हमारे देवर है, जो पापा बने हुए हैं, वो तो पूरा रो पड़े थे। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशांत। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पता है गाइस, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया मैं 10 सेकंड तक रुक गया था। ये भाई पता नहीं इसको क्या है, खड़ी हो गई है। देख लो गाइस, खड़ी हो गई है, देख सकते हो आप। वीडियो बनाना है, है? इसको कितना प्यार, देख रहे हैं अभी इसको कितना आदत हो गया है। मतलब कैमरा खोलता ही देख लेगी, ये उड़ के चली जाती है कैमरे में। जब तुम पिटवा में थे ना मम्मी के, तो हम वीडियो बनाते थे बेटा, पता है आपको है? तो गाइस माँ तो इनकी इधर है और ये हमारे साथ, देख लीजिए एकदम खड़ी हो गई हमको। हाँ 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 हा, गिर गई बेटा, कोई बात नहीं, खड़े जाइए, फिर से खड़े जी पकड़ के। हाँ शाबाश, मैं तो पेड़ हूँ, एकदम पकड़ पकड़ के चढ़ते जाइए। हाँ तो गाइस हमारी तितली जो है ना बहुत स्वीट है, लेकिन शैतानियाँ उतनी बढ़ती जा रही, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना। देख लो क्या क्या करती रहती है, इतनी सारी एक्टिविटीज है कि मेरा बस चलते, मैं दिन भर शूट करता रहूँ फोन। लेकिन फिर ये भी कहेगी कि यार मुझे खिलाते नहीं मेरे बाबा, कैसे जो दिन भर फोन लेके उंगली पकड़ के काट रही। भाई गंदी बात, कहाँ से सीखा बेटा आपने, कहाँ से सीखा? तो गाइस इतनी सारी मस्ती देख लीजिए, ये इनके साथ करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। बट एनीवे अभी क्या है कि गाइस सारा फंक्शन तो ख़त्म हो चुका है, बाकी आज कुछ आपको खास चीज़ बतानी है, तो अभी आपको बताते हैं। पहले तितली को अच्छे से, उनको अभी ये वीडियो में ही आना, तुम्हें वीडियो में रहना है, मम्मी के पास नहीं जाना। ये अपनी मम्मी के पास लेटी हुई थी, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया मेरे पास भाग गई। बोलो बोलो, पापा पापा पापा। आ आ बेटा मेरा सो गया, मम्मा के पास सो गया। तो गाइस देख ले, ऐसी है इनकी शरारतें हमारी बिटिया रानी की। चलिए गाइस अभी कुछ खास चीजें बताते हैं, सबसे पहले इनको उठाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस फाइनली ये भी तैयार हो गए, और मैंने बोला था ना कि कुछ खास चीज़ें, खास क्या है, अभी हमें जाना है हॉस्पिटल और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। बाकी क्या सरप्राइज है वो आपको बताएंगे क्या होता है, बाकी अभी भगवान के ऊपर है। और ऐसे भी आज है गाइस भादो का छठ, तो सभी को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस पता है छठ एक ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि छठ के दिन ही हमारी तितली हुई थी तो ये भी है, और बहुत बड़ा सरप्राइज है, भगवान करे कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। होने वाला क्या है वो आपको बताते हैं कि मेरे चाचा का बेटा है, हमारी सबकी ज्वाइंट फैमिली आपको पता है, तो उसकी वाइफ प्रेगनेंट है और आज लग रहा है हो सकता है कि डिलीवरी, क्योंकि कल रात में मैं हॉस्पिटल में गया था तो मैं कुछ गाइस उतना शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जल्दी जल्दी मैं फ़ोन यहीं पर छोड़ के चला गया था। तो अभी हमें जल्दी से कॉल आया कि हॉस्पिटल में आने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और फिर आपको मिलेगा। चले चले बेटा, चलिए जल्दी चलिए। तो गाइस चलिए आप लोग भी बने रहेंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग हमनौर का जो हॉस्पिटल है वहाँ आए हुए थे, और क्यों आए हुए थे मतलब कुछ सूट नहीं की, इतने ज़्यादा खुश थे हम लोग। हम निशा आंटी जी पूरा परिवार है हमारा, पीछे देख सकते हैं सभी हॉस्पिटल आए हुए थे। और ख़ास बात क्या है कि ये जो शख्स है यार पापा बन चुके हैं। तो हम लोग बड़े पापा बन चुके हैं और बड़ी मम्मी, तो बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग, हॉस्पिटल चले आए थे बहुत जल्दी जल्दी में सभी। तो मतलब क्या बताओ, तितली अब दीदी बन गई है ना तितली। और ये हमारे बॉस, हमारे मित्र आनंद भाई, तो ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सभी आए हुए हैं, लगभग सारे दोस्त वगैरह जितने भी थे सब पहुँचे हुए हैं यहाँ। मिठाई का डब्बा खुल गया। तो गाइस आधी से ज़्यादा फैमिली हमारी आ चुकी है यहाँ पे सभी, और अभी हॉस्पिटल के अंदर है जिस वार्ड में बाबू हुई है, तो हम लोग आए थे मिलने के लिए, यहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो
तो गाइज अभी जस्ट हॉस्पिटल से घर पे आए और मतलब वर्ड्स नहीं था वहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। क्योंकि गाइज सबसे पहले आपको बता कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हम लोग 13-14 भाई हैं। आजा बेटा आजा, ये भी देखो देखो कैमरा ऑन हुआ, देखना आप गाइज, मैं यही कहता हूँ, ये हमारी कैमरा फ़ोन ऑन करते ही मेरे पास आ जाती है, पता नहीं क्यों। देखो इसको बस फ़ोन में दिखना है और आप लोग कहते तितली को दिखाई, खुद आ जाती है, मैं तो लेना भी नहीं चाहता, इसको ब्लॉग भी आ जाती है ना। तो गाइज हम लोग मतलब करीब करीब 13-14-15 भाई हैं, मतलब सारे कजन्स मिला के, और हमारे घर में सिर्फ दो ही मतलब लड़कियां हैं। तो लड़कियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम थी, और इस जनरेशन की बात करें जो हमारा जनरेशन चल रहा है, तो उसमें जो मेरे बड़े भैया उनकी एक बेटी है, बड़े पापा के बेटे, फिर हमारी तितली आई, तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे कि भाई चलो मतलब एक लड़की, क्योंकि मैं भी तीन भाई हूँ, जो मेरा भी जो चाचा का बेटा उसका भी जो बेटी हुई है वो भी चार भाई है, तो इसलिए लड़कियाँ थी नहीं, तो बहुत एक इमोशनल होता था मोमेंट यार लाइफ में कि यार घर में लड़कियाँ नहीं है। बट सभी के परिवार में अब लगभग लड़कियाँ हो गई, तो बहुत 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 मतलब खुशी इतनी है कि बता नहीं सकते, मतलब साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है हमारे घर में। तो अभी तो निशा गई नहाने के लिए, हालांकि क्योंकि मैंने बाबू को नहीं छुआ था, क्योंकि मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कि अभी न्यू बॉर्न पर भी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो यू नो वेरी वेल, तो इसलिए मैं थोड़ा दूरी था। बट निशा गई नहाने के लिए और मैं और तितली रूम में है, है ना बेटू। तो जब वो आएगी तो फिर गाइस तो फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग बने रहें। तो गाइस फाइनली मैं नहा धोकर के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, एंड मेरे साथ कार्तिक बाबू भी है, तितली भी है, ये गाइस मैं भी नहा चुका हूँ। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हाँ रो रही है। तो गाइस सच बताऊं तो बहुत 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 खुश है हम आज सभी, है ना। आरती बाबू तो इतना ज्यादा खुश थे ना कि वो कार का डोर बंद करने ही भूल गए थे, कार का डोर खुला ही था और कार चल दी थी और मैं बाहर ही छूट गई थी, फिर कार अंकित बाबू को बोले ना कि रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोग भी बाकी हैं, इनका चप्पल भी गिर गया था, हर्षित का चप्पल भी गिर गया था बाहर। तो इतना हम लोग एक्साइटेड थे, हड़बड़ी में जा रहे थे हॉस्पिटल, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, जैसे बाबू को गोद में लिया तो एकदम लगे कि जैसे मैं तितली को ले ली हूँ गोदिया में, है ना बेटू। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं मतलब बाबू को गोदी में लेके ले नहीं पा रही थी, जैसे बाबू को फर्स्ट दिन गोदी में ली थी तो ले नहीं पा रही थी, सेम उसी तरह पूरा सब कुछ फ्लैशबैक हो रहा था। एक साल अरे बाप मेरा बाल पूरा, एक साल फ्लैशबैक, हम लोग चले गए थे पीछे, बहुत इमोशनल मोमेंट था जो हमारे देवर है जो पापा बने हुए हैं वो तो पूरा रो पड़े थे और मतलब सब कोई, मैं जैसे कि बड़ी मम्मी बन गई, ये पापा बन गए हैं, चाचू बन गए, फिर से पापा बन गए, अब इनकी मतलब लाइन लगी रहेगी पापा बनने की। तो इतने छोटे छोटे हैं ये लोग देवर लोग, ये लोग पापा बन गए हैं, ये हाई है यहाँ पे महाशय, ये भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बाबू नॉर्मली हुई है और एक रहता है कि चलो अच्छे से हो जाए, स्वस्थ रहे माँ बच्चा दोनों अच्छे से, तो दोनों सब कुछ ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पल हो गया था मेरे लिए भी जैसे बाबू को गोदी में ली, और दीपा को देख के तो और ज़्यादा मुझे एकदम अपना वो सिचुएशन याद आ रहा था कि मैं बस सब बाबू को गोदी में लेके घूम रहे थे और मैं बस पड़ी हुई थी, वो भी सेम कंडीशन सेम वैसे, वो बस अपने बेड पे चुपचाप थी, मुस्कुरा रही थी थोड़ा बहुत। बट पता क्या, एक्चुअली गाइस ये जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है, और भाई तो मेरा इमोशनल होकर पूरा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था कि बाबा बनना, पेरेंट्स बनना, और मेरी तितली इतनी बड़ी हो गई, देखते देखते अभी एक साल की होने वाली है। क्यों बड़ी हो रही हो तुम बेटू, क्यों? शैतानी अभी उतनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा शैतानी। कोई नहीं, बच्चे होते हैं इसीलिए शायद बदमाशी करने के लिए, अब बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे, बताइए जरा। देखिए ना कपड़े चवाड़ी है, शैतानी कर रही है। तो तितली भी हमारी अब बड़ी दीदी बन गई है, है ना, एक पार्टनर मिल गया, पार्टनर मिल गया। तो अब बस बाबू का वेलकम का हम लोग तैयारी करेंगे और देखते हैं कैसे क्या होता है, आप लोग को वैसे अपडेट भी देते रहेंगे। सब कोई बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग टेंशन में थे, यहीं पास के हॉस्पिटल में जो है ना ब्लॉक में, तो वहाँ पे ही वो थी, हालांकि हम लोग कल रात से ही वहाँ पे थी, कल रात से ही थोड़ा सा था, फिर वहाँ पे जो है कि बोले कि घर पे ले जाओ, तो क्या चाहिए, बात नहीं करूँ सबसे, शैतानी बहुत बढ़ गया है तुम्हारे, चलो तुम पिटाई लगाऊंगा। अब हमारी तितली पिटाई भी खाने लगी है, इतनी बड़ी हो गई। तो गाइस क्या बोलूं, खुशी में समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूं। तो गाइस दो लड़कियों के साथ बोले तो अभी हम लोगों ने तितली को सुलाया, उसके बाद लगा कि भाई हम लोगों ने मतलब मैं चुप रहा ना उतने देर,
और मुझे भी कुछ करने नहीं देते। तो अभी क्या है गाइस कि आज का दिन सच में मतलब बहुत यादगार रहेगा। और खास बात क्या है गाइस कि आज भादो वाला छठ है ना, छठ पूजा। तो अब छठ पूजा के दिन ही हुई थी तो ये सारी चीजें हैं और छठी मैया का मतलब आशीर्वाद है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जैसे मैंने सुना ना बाबू हुई है मतलब बेटी हुई है और नॉर्मली हुई है और छठ का दिन तो पूरा एकदम सेम टू सेम सब मैच कर रहे थे तितली के साथ सारी चीजें। बट मेरे साथ ना गाइस क्या था ना मतलब आप अकेले थे यहाँ पे, सब होल फैमिली, सासू माँ थी, नानी थी, बट फिर भी अननोन प्लेस था, सब अननोन थे, लेकिन बहुत सारा एक परिवार बन गए थे उस समय। बट कहते हैं ना भानु दीदी, रितु दीदी, सचिन भाई, मनीषा, सभी जितने भी लोग थे, मीना दीदी, जितने भी वहाँ के कॉलोनी के लोग थे, छूट भी जाए दो चार नाम, सभी ने बहुत प्यार दिया। मैं डेली वॉक करती थी तो सब गाइड भी करते थे, सब गाइड करते थे, मतलब एक सीआईडी सर थे वो भी बोलते थे कि ठीक से गाइड करो, वॉकिंग अच्छा, प्रेगनेंट कौन सा मंच, इतने क्या बताऊं मैं गाइड। तो हर पल ऐसा लगता है कि एक अंबाला से जुड़ाव है, वो जैसे नानी घर जैसा हो। और जल्दी जाएंगे, सचिन भाई से बातचीत होगी तो फिर निकलेंगे हम लोग भी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा लगता है, वहाँ सुकून मिलता है हम लोग को। सही में अच्छा लगता, तो बहुत अच्छा लगता। चलिए इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर। अब बाबू को वेलकम होगा। हाँ अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो लोग नए वाले घर पे रहते हैं, ये हम लोग पुराने वाले घर पे रहते, वो लोग नए वाले घर पे रहते हैं, क्या होता है कैसे होता है वो आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। तब तक आप लोग बने रहे, खूब सारे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा।